नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी में लव जिहाद अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है। दिसंबर में विधानसभा में अध्यादेश पेश होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लव जिहाद के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। दिसंबर में विधानसभा में ये अध्यादेश पेश होगा। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन गया है। अध्यादेश को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है। जो लव जिहाद का कानून बना है उसके लिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, यूपी में लव जिहाद अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही जो लव जिहाद कानून बना है उसके लिए बनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है इस कानून को, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा। उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे भारत की बात करें, ये पहला राज्य है जो उत्तर प्रदेश जिसमें लव जिहाद को लेकर नया कानून पारित किया गया है। मुख्यमंत्री की बात माने, मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्यपाल से जिस तरीके से देखा जाए मंजूरी मांगने के लिए अध्यादेश के लिए भेजा था पत्र वगैरह। और उससे पहले अगर बात करें, हाईकोर्ट ने इस कानून को जिस तरीके से कहा कि अपनी मर्जी से शादी कर सकते, जिसको लेकर पर मुख्यमंत्री की जो पहल को अगर देखा जाए, अगर राज्यपाल की पहल जिस तरीके से हुई है तो यूपी में जो लव जिहाद को लेकर जो अध्यादेश है उसको मंजूरी मिल चुकी है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो अध्यादेश को मंजूरी दी है वो दिसंबर में विधानसभा में पेश होगा। जहाँ देखा जाए, देखिए जो सत्रकालीन सत्र चालू होगा विधानसभा उत्तर प्रदेश का, उसमें ये कानून रखा जाएगा। पक्ष के लोग, सरकार के भी लोग होंगे और विपक्ष के लोग होंगे। ये कानून जब पास होगा कितना विपक्ष इस पे उधम करेगा, क्या करेगा, ये देखने वाली बात में बात होगी। पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारत का ये पहला राज्य जो बना है, महिलाओं के लेकर जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया गया, ये देखने के काबिल तारीफ है पूनम। और देखा जाए अगर लव जिहाद को लेकर बात करें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आप देख रही है लगातार घटनाएं कानून व्यवस्था को लेकर जो चलती थी, उसके अलावा बलात्कार, लूट, डकैती, अपहरण, हत्याकांड, सबसे ज्यादा गिराफ जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ा, तो वो था एक ये महिलाओं को लेकर सशक्तिकरण, जिसको लेकर लव जिहाद को लेकर अब सरकार ने जिस तरीके से राज्यपाल को आनंदीबेन पटेल को एक पत्र भेजा, वो पत्र में ये मंजूरी मिल गई है। अब ये कानून जो लागू है वो दिसंबर में सत्रकालीन सत्र में ये लागू होगा। विपक्ष कितना इस पे हंगामा करेगी, सरकार किस तरीके से इस कानून को पास करा पाएगी, ये बात की बात है। पर उत्तर प्रदेश में अपराध पर जिस तरीके से गति तेजी से है वो कुछ कम होने का नाम लेगी पूनम। जी शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल लव जिहाद का जो कानून उत्तर प्रदेश में बन गया है उस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और दिसंबर में इस अध्यादेश को विधानसभा में पेश किया जाएगा।